विश्वास सुबह से घर में शांति थी। घर की मुखिया सुलोचना जी अपने कमरे में बैठी बैठी माला जप रही थी। मुंह से तो राम राम जप रही थी, लेकिन आंखें आंखें तो मोटी मोटी चश्मे में से बहू के कमरे के दरवाजे की तरफ झांक रही थी। देखने वाले को प्रतीत हो रहा था कि अम्मा जी पूजा पाठ कर रही हैं, भगवान का नाम ले रही हैं, पर सच्चाई उससे परे थी। मन ही मन कुड़ी जा रही थी कि आखिर बहू कमरे में से बाहर क्यों नहीं उठकर आई। जाहिर सी बात है कि जिस घर में बहू घर को संभालती है, उस घर में यदि एक दिन भी बहू देर से उठे तो सबका दिमाग ठिकाने आ जाता है। और इस समय तो बहू रोज रसोई में लगी रहती थी। जैसे ही अम्मा जी अपनी पूजा पाठ खत्म करती थी, बहू उनके सामने नाश्ता और चाय हाजिर कर देती थी। पर आज तो उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि बहू उठकर रसोई में अभी तक आई नहीं थी। पता नहीं, शायद कल की बात मन पर लगा कर बैठ गई। हाय राम, अगर ऐसी हो गई तो मेरा तो इस घर में से पत्ता ही कट जाएगा। जब अपने काली घोड़े को लगाम नहीं दे पाई तो माला एक तरफ रखी और उठकर घर में टहलने लगी। दो तीन बार कोशिश भी की कमरे का दरवाजा खटखटा दूं, पर हिम्मत ही नहीं हुआ। कल रात के हंगामे के बाद कहीं सुबह सुबह ही हंगामा ना हो जाए। तभी घर का दरवाजा खुला। घर की बहू नताशा ने घर में प्रवेश किया। उसे बाहर से अंदर आता देखकर सुलोचना जी से रहा भी नहीं गया। उन्होंने उसी वक्त पूछा, सुबह सुबह बाहर से कहाँ गई थी नताशा? में एक नज़र उन पर डाली, उनका उन्हें जवाब का बिल्कुल भी मूड नहीं था। पर फिर भी बोली, मम्मी के पास गई थी। इतना सुबह सुबह अपने मायके जाने की क्या जरूरत पड़ गई? दो कॉलोनी छोड़कर ही मायका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जब चाहा मुंह उठाया और चल दिया, वो भी जिसे पूछे बिना। मेरा बेटा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? तभी तो मैं घर में बैठी हुई हूँ, सुलोचना जी ने तुनकते हुए कहा। तो नताशा ने जवाब दिया, इस घर में वैसे भी हर काम बिना पूछे ही होता है, तो मुझे लगा मुझे भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर नताशा अपने कमरे में चली गई। सुलोचना जी का मुंह फूल गया और वो अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन जब काफ़ी देर हो गया और नताशा अपने कमरे के बाहर नहीं निकली, तो अम्मा जी खुद ही रसोई में चाय बनाने चली गई। बर्तनों को जानबूझकर जोर जोर से पटकती हुए चाय बनाने लगी कि नताशा को भी आवाज़ सुनाई दे कि वो रसोई में काम कर रही है। चाय पूरा बन गया, लेकिन नताशा बाहर निकल कर नहीं आई। इधर नताशा अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही थी। सामान पैक करते करते उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसा कर सकती है। दरअसल हर शाम को सुलोचना जी नताशा के साथ बाजार गई थी। वही सुलोचना जी पायल साड़ी में उलझ कर टूट गई। अरे, कुछ दिन पहले विद्या आई थी, कुछ गहने गिरवी रखवा कर गई है, पैसे भी बहुत ज्यादा हैं, जरूरत थी उसको। कह रही थी उसकी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, पर गहने उसके लग नहीं। मुझे उसकी शादी के सारे गहने तो मैंने ही तैयार किए थे, शायद सास के गहने रखवा कर गई है। कहते कहते उन्होंने गहने दिखा भी दिया। गहने देखकर नताशा के होश उड़ गए। ये तो उसके गहने थे जो उसकी माता पिता ने
को शादी में चढ़ावे दिए थे, पर ये गहने विद्या के पास आई कैसे? ये गहने तो उसने अपनी सास के पास रखे थे। उसे सुलोचना जी की तरफ देखा तो वह नजरें चुरा रही थी। घर आकर उसने सुलोचना जी से पूछा तो पहले तो सुलोचना जी टाल मटोल करने लगी, पर जब उसने कहा कि वो बिंदिया के घर जाकर उसकी सास के सामने पूछेगी तो सुलोचना जी ने कहा, वो गहने मैंने ही उसे रखने के लिए दिए थे। उनका जवाब सुनकर नताशा ने पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तो विश्वास करके आपके पास दिए थे गहने रखने के लिए, आपके उसे विद्या को कैसे दे दिया? वह मेरी बेटी है, उस पर तो मैं आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हूँ, पर तू तो बहू है, अगर मैं गहने घर में रखती तो तेरा क्या पता, तू कब अपने मायके ले जाकर रख देती। सुलोचना जी का ये जवाब सुनकर नताशा हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बेटी नहीं माँ भी धोखेबाज है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। ये सब याद करते करते नताशा का मन नफरत से भर उठा और वो फटाफट अपना सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद नताशा अपने बैग के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में बैग देखकर सुलोचना जी बोली, कहाँ जा रही है? अपने सामान के साथ अपने मायके जा रही हूँ और वहीं से कल की ट्रेन से परवीन जी के पास चली जाऊंगी। भाई से कहकर टिकट भी अभी सुबह सुबह ही बनवा लिया है, ऐसा कैसे चली जाएगी? मैं तेरी सास हूँ, जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगी तब तक तू परवीन के पास कैसे जा सकती है? और यह घर कौन संभालेगा? शर्म नहीं आता अपने आप से निर्णय लेते हुए? अम्मा जी, आपकी बेटी कह दीजिए, वो आकर आपको घर संभाल लेगी। वैसे भी आपको बहू की जरूरत कहाँ? मुझ पर तो आपको रत्ती भर विश्वास नहीं है। मेरे घर में रहते आपको इतना डर लगता है कि आपने मेरे और आपके सभी गहने अपनी बेटी के पास रखवा दिया, फिर भला मेरी क्या जरूरत? मैं आपके डर को दूर ही तो कर रही हूँ, कम से कम मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो आप निश्चिंत होकर रह पाएंगी। इतने में ससुर जी भी बाहर से आ गए, उनके हाथ में एक बैग था। उन्हें देखते ही सुलोचना बोली, देख लो आपकी बहू की हरकतें, सुबह सुबह बैग पैक करके अपने मायके जा रही है। हमारी तो यहाँ इज्जत है, घर में पूछने भी मुनासिब नहीं समझते लोग, बहू तुमसे पूछ कर करेगी भी क्या? पूछने लायक स्थिति रखी है क्या? जैसी हरकत तुमने की है उसके बाद तो यह सब होना था। शुक्र करो कि बहू चुपचाप अपने पति के पास जा रही है, ज़्यादा हंगामा नहीं कर रही है, पर तुम्हारे धोखे की सजा तुम्हें तो जरूर देकर रहूंगी। मैं विद्या के पास से तुम्हारे गहने लेकर आ चुका हूँ, अगर तुम्हारी बेटी बहू के गिरवी रखे गहने को छुड़वा ले तो ठीक है, अन्यथा तब तक तुम्हारे सारे गहने तुम्हारी बहू के पास ही रहेंगे, और अगर विद्या गहने में छुड़वा ना पाई तो ये गहने हमेशा हमेशा के लिए बहू के हो जाएंगे। अपने पति की बात सुनकर सुलोचना जी बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? भला मेरे गहने आप बहू को कैसे दे सकते हो? वैसे ही दे सकता हूँ जैसे तुम बहू के गहने अपनी बेटी को दे सकती हो, और तुम्हारी बेटी उससे भी महान, वो तो गहने ही गिरवी रख कर आ गई। वैसे भी अब ये तुम्हारा सिर दर्द है कि तुम अपनी बेटी से गहने कैसे निकलवाओगे? कहते हुए ससुर जी ने सारे गहने नताशा के हाथ में रख दी और खुद नताशा को उसके मायके छोड़ने गए। इधर उन गहने के पीछे माँ बेटी का रिश्ता भी बिगड़ गया, क्योंकि माँ जब भी गहने मांगती तो बेटी कोई ना कोई बहाना कर देती, साथ ही बेटे बहू का भी विश्वास खोया। वो अलग